remembered Richard Dreyfuss and John Cassavetes' film, Whose Life Is It Anyway? जो originally एक American play है और जिसमें Richard Dreyfuss ने वो काम किया है जो मैंने इस film में काम किया है. The film was Whose Life Is It Anyway was extremely good film, one of the good films of the world. तो मुझे याद आई Richard Dreyfuss की और उसने जो किरदार निभाया था उसके उस पर मैंने नाटक भी किया था मराठी में, वही रोल जो इसमें है इस फिल्म में. मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये जिसे कहते हैं गलत फहमी जब बढ़ती जाती है तब उसका नतीजा जो निकलता है उसके बारे में ये फिल्म है, ऐसा मुझे लगता है. लाइफ इज अ सेलिब्रेशन एंड द सेलिब्रेशन इज नॉट टुमारो और इट वॉजंट येस्टरडे, इट इज राइट हियर राइट नाउ. यू आर नेवर गोइंग टू लिव दिस मोमेंट अगेन. लाइक आई हर्ड यू नो सम ग्रेट स्पीकर स्पीकिंग अ फ्यू डेज बैक एंड ही सेड दैट वॉट इज इट दैट यू शुड थैंक योर सेल्फ थैंक गॉड फॉर और यू नो द यूनिवर्स फॉर और हुएवर दैट यू आर बिलीविंग इन इट इन द मॉर्निंग. You should just simply thank him to say that you are alive. There is a global population of billions and at least a million people have died every second and you haven't, you are living. So make the most of it. मैं जो किरदार निभा रहा हूँ वो भी बहुत ही सेंसिटिव है. जब आप इसका पोस्टर देखेंगे या आप इसका ट्रेलर देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अनुमान होगा कि ये सेंसिटिव कैरेक्टर है और इसकी सेंसिटिविटी किस डेप्थ में है. और जब आप फिल्म देखेंगे तब हो सकता है आप को सिंपथी भी महसूस हो इस कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि ये अलग किस्म का रोल मैंने करने की कोशिश की है. क्योंकि मेरे सामने ऐसा रोल लेके आया गजेंद्र, जो कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा रोल किया नहीं था. और जो नहीं किया होता है वो करने का आनंद, वो करने की खुशी बिल्कुल अलग होती है. और जो मुझे मिली इस फिल्म में काम करके, जिसके वजह से मैं बोकाड़िया साहब का, गुंडेचा साहब का और गजेंद्र अहिरे का मैं शुक्रगुजार हूँ.